वो लड़कियां भी कितनी हसीन है जो यहाँ स्टेशन पे घूम रही है, घर चले जाओ बाबू को पढ़ेंगी छोरी आड़े घूमन लाग रही। तो फिलहाल खड़ा हूँ भाई मैं पानीपत और जा रहा हूँ मैं, करीबन 1800 किलोमीटर की जर्नी है हमारी। क्या खाना अच्छा नहीं था? खाना घटिया खाना है, दाल में नमक ही नहीं, जो चिकन बनवाए हुए प्याज सारी की सारी प्याज ऊपर है, चिकन में कुछ है ही नहीं अभी सीढ़ी। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो राम राम जी सारे ने, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी व्लॉग्स में, और मैं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है यार, करीब मतलब हरिद्वार गया था उसके बाद तो व्लॉग आया ही नहीं है। तो फिलहाल खड़ा हूँ भाई मैं पानीपत और जा रहा हूँ मैं, करीबन 1800 किलोमीटर की जर्नी है हमारी, और टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 और करीबन 20 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। मैं जा रहा हूँ भाई छत्तीसगढ़ मामा के घर, मामा के लड़के की शादी है जैकी भैया की, और भाई अभी नानी गई थी करीबन ये लगा लो आप 20 दिन पहले, और खुशकिस्मत की बात ये है कि मैं वापस 20 दिन में मिलूँगा नानी से मामा से सबसे, इन्जॉय करेंगे मस्ती करेंगे। और भाई चलते हैं फिर आपको लेके एक अनोखी जर्नी, बढ़िया जर्नी पे। भाई मैं जा रहा हूँ हीराकुंड एक्सप्रेस से, हीराकुंड सुपरफायर एक्सप्रेस 2088 इसका ट्रेन नंबर है, और ये भाई अमृतसर से चलती है करीबन रात को 11:55 पे, और 3 दिन बाद यानी करीब 2 बजे, क्योंकि 5 मिनट का क्या है, 2 दिन बाद रात को उतारती है 9:40 के आसपास विशाखापट्टनम। तो भाई और ये यहाँ आएगी 5:36 की टाइमिंग है इसकी, करीब करीब करेक्ट टाइम ही आती है, 5-7-10 मिनट ऊपर नीचे होते हैं। और ये ट्रेन जो भाई अपना सफ़र कंप्लीट करती है इस जर्नी में वो है 2570 किलोमीटर, जो कि अमृतसर से है अपना विशाखापट्टनम, और भाई हम करेंगे करीबन 1400 किलोमीटर के आसपास, 1370 कुछ के हमारा है भाई पानीपत से रायगढ़। इस ट्रेन का जो मेन स्टेशन होते हैं वो अपना अमृतसर से चल के लुधियाना, अम्बाला, पानीपत और न्यू दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, और फिर पेंड्रा रोड, बिलासपुर, शक्ति, खरसिया, रायगढ़, भुवनेश्वर और अपना विशाखापट्टनम। तो ये भाई इस ट्रेन का पूरा कि किस किस स्टेशन से होके जाती है भाई, ये मेन स्टेशन है। और ये जो ट्रेन भाई चलती है आपकी वो चलती है वेडनेसडे और सैटरडे संडे को अमृतसर से, और फिर विशाखापट्टनम से जो चलती है वो है ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे को। और उस ट्रेन का भाई नंबर है हीराकुंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2087। करते हैं ट्रेन का वेट, दिखाता हूँ आपको पानीपत स्टेशन। ये है भाई पानीपत का स्टेशन, देख लो मतलब वो टिकट घर है ये, पूछताछ घर, और इस पर कितनी प्यारी पेंटिंग रखी है, ट्रेन बूढ़ी होगी। बात तो सही है। ट्रेन भाई करीब 5 मिनट तो लेट हो गया है, बाकी वो तो कोई दिखता नहीं हो रण परण भी। और भाई पानीपत स्टेशन मैंने एक चीज़ तो बढ़िया लग है, अरे पूरी ब्रेड पकौड़े तड़की तड़क बनने लग जाए, रात पूरे दिन सारा ये होगा अपना सारा सामान, ये तो बहुत का। और जो भाई हमारी ट्रेन है वो चल पड़ी अपना न्यू दिल्ली पहुंचने वाली अभी तो, और भाई जो कंडीशन है रेल की वो बहुत बढ़िया भाई, एसी जो चला हुआ है वो नॉर्मल है, मतलब वॉशरूम भी ठीक है, बिल्कुल क्लीन तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, 80% ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेन, ये भाई कोई ट्रेन की हालत देख सकते हो आप, सुबह 6:30 का टाइम है तो सभी सो रहे हैं, पूरे राइट टाइम आई है भाई न्यू दिल्ली। वो लड़कियाँ भी कितनी हसीन है जो यहाँ स्टेशन पे घूम रही है, घर चले जाओ कंट्रोल कंट्रोल बाबू को पढ़ेंगी छोरी आड़े घूमन लाग रही, खाओ बैठाओ चलो कुली कुली कुली। धौलपुर से निकल के और मिट्टी के पर्वत बने हुए हैं बहुत, मतलब कि लगा लो करीबन 10 किलोमीटर से तो हम देख रहे हैं, अभी भी चला ही रहा है, चोर लुटेरे नहीं घूम छुपते जैसे शाखों ने अपने अड्डे पे सोनाक्षी सिन्हा को कैद किया है। तो भाई शाम हो चुकी है और हम पहुंचे खुरई, जो कि भाई मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक नगर है छोटा सा, वहाँ पे भाई रुकी है ट्रेन, वो रही हमारी ट्रेन, और भाई सो गया था यार अभी भी आके लाल हो रही है। अगर आपको एक स्कैम से बचना है, छोटा मोटा ही स्कैम है वो, कोई बड़ा नहीं है, मथुरा का पेठा पेड़ा मशहूर होता है, तो भाई ट्रेन में जो आता है ना वो आप बिल्कुल मत लो, हम वो 200-220 का बोलते हैं, वो हद मार के आपको 160 का दे देंगे ठीक है, लेकिन वो पेड़ा होता है भाई, क्या होता है वो आटा होता है ना, आटे में हल्का फुल्का तो मावा डाल दिया, 0.1-2% सिर्फ स्मेल के लिए सुगंध आए, और भाई उसमें सिर्फ चीनी, कुछ नहीं, जीरो। शर्म करो, भगवान से डरो। कहाँ हो आप?
ट्रेन में हो? ट्रेन कैसे चलती है? ये तो ट्रेन की टक्कर करवा दिया आपने। मत किया करो यार। कैसे चलती है ट्रेन? छिक 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 छिक। पानी में गई। पानी में गई ट्रेन? उठाओ भी ट्रेन को, उठाओ। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। क्या खाना अच्छा नहीं था? खाना घटिया खाना है। दाल में नमक ही नहीं, जो चिकन बनवाए हुए प्याज और सारी की सारी प्याज ऊपर है, चिकन में कुछ है ही नहीं। अभी सीढ़ी चावल जो दोपहर का चावल है, ये कोई चीज थोड़ी है। अगर आप कह रहे हो तो 180 रुपये लेना है, आपको 180 रुपये हम पे कर रहे हैं ना। हाँ, 160 थोड़ी पे कर रहे हैं, पागल है हम यहाँ पे। खाना तो ढंग का दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भाई फिलहाल मैं कटनी, जिसे मुड़वारा भी कहते हैं, और टाइम हो रहा है करीबन 11:55 रात को। और भाई कटनी है मध्य प्रदेश में, और ये कटनी नदी पर बसा एक शहर है। और भाई आपने इससे मतलब पिछले वाली क्लिप में देखा होगा, जिसमें जो रेलवे का खाना था ना, उसकी मतलब इतनी बुराई कर रहे थे लोग। क्यों बुराई कर रहे थे भाई? दाल में नमक नहीं है, पानी पानी है, कच्ची दाल है, चावल कच्चे हैं मोटे मोटे से, ऐसे ही मतलब उन्होंने टाइम पास के लिए दे रखे है। और लोग कह रहे थे कि अगर वो 180 बोल रहे हैं, हम 160 थोड़ी दे रहे हैं, पूरे पैसे दे रहे हैं, तो हमको खाना अच्छा क्यों नहीं मिल रहा? तो भाई हर एक की मतलब ये शिकायत रहती है, रेलवे फिर भी सुनवाई नहीं करती। तो कृपया भाई वीडियो को शेयर करो, रेलवे तक पहुँचे, ताकि खा के भाई बीमार हो जाए तो ट्रेन में कहाँ दिखाओगे यार आप? तीन तीन दिन तक चलती है ट्रेन, कहाँ दिखाओगे आप? तो भाई शेयर करो। और फिर भाई अभी 12 बज गए, तो करते हैं सोने की तैयारी, और फिर मिलते हैं आपको कल के क्लिप में। तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड उनकी छोटी मोटी बड़ी सिस्टर्स। न्यू इंट्रो के साथ छत्तीसगढ़ में आपका वेलकम है, और मैं खड़ा हूँ भाई फिलहाल बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। और जो भाई बिलासपुर है, जिला बिलासपुर, वो छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी के रूप में भी जाना जाता है उसको। और जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है, वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। धान की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण बिलासपुर को धान का कटोरा भी कहा जाता है भाई, क्योंकि यहाँ जो चावल का टेस्ट है भाई, वो एक नंबर है। क्योंकि यहाँ हर टाइम मतलब दोपहर में चावल बनेंगे, वरना यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों का पेट नहीं भरता, इसलिए यहाँ धान का कटोरा भी नाम से जाना जाता है बिलासपुर को। तो और भाई जो बिलासपुर का स्टेशन है यार, वो बहुत बड़ा है देखो, और यहाँ पे तो लिफ्ट भी लगी हुई है। छोटी सी बच्ची वो ऊपर नीचे आ रही है बार बार। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। यांश कोचलेट दे दो दीदी को। नहीं नहीं। क्यों? फिर परेशानी। छोटी दीदी है, खाए ये नहीं खाएंगी? ये आप, ये तो आपकी है, ये दीदी की है, फिर दीदी को दे दो। दीदी को दे दो। दीदी के है? दीदी है आपकी? जिसको देखा। ए प्यारा बच्चा मेरा। स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। हम स्टेशन पे भाई, और एक अच्छी चीज हुई हमारे साथ और एक बुरी। क्योंकि अच्छी चीज तो यह है कि एक प्यारी सी गुड़िया मिली, और लेट ये कि ट्रेन 5.5 घंटे लेट हुई है। और वो अच्छी चीज क्या है? ये हेलो कद्दू, हेलो कद्दू, हेलो बोलो, लाइक करो, बोल दो, बोलो बोलो। आवाज नहीं गलती। इससे भाई फिर मिलेंगे प्यारी सी गुड़िया से, बाय बाय। कितनी औसम है यार। और हमारी ट्रेन है कम से कम 5.5 घंटे लेट, और हमारा सामान कितना है देखो, कितना सामान है, ये पतली सी हड्डी देखो, कितना सामान देखो, ये सारा हमारा सामान है। रायगढ़ है छत्तीसगढ़ जिले में, और ये उड़ीसा की सीमा पे है। और फिर मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। जय श्री राम, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।